नमस्कार दोस्तों, एसएसयू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो न्यूज़ आई है और उसमें भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कुमार मंगलम बिरला जी ने वोडाफोन आइडिया से स्टेप डाउन करने के बाद गवर्नमेंट से अपील की थी कि आप टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए कुछ आप रिलीफ दे दीजिए, और उसी का इफेक्ट आपको दिख रहा है। और आज कैबिनेट मीटिंग में अश्विनी वैभव ने ये कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए उन्होंने कुछ रिलीफ मेजर्स लिए हैं, और उस रिलीफ मेजर में सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है उस पॉइंट में है जो मॉरेटोरियम पीरियड है इनका, जो ये जेआर ड्यूज के लिए पे था उसको 4 ईयर कर दिया, यानी 4 ईयर मॉरेटोरियम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है वोडाफोन आइडिया को और एयरटेल को। वोडाफोन आइडिया ऐसा ही डेब्ट से परेशान थी और ये जेआर ड्यूज पेमेंट करना, यानी 7000 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया ने पे किए, और इनको 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन मिला था उसमें लगभग 6-7000 करोड़ के आसपास ईयरली इसको ये जे आर ड्यूज पे करना था। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट के तरफ से आया है वोडाफोन आइडिया के। तो एक सर्वाइवल के रास्ते गवर्नमेंट चल रही है, वोडाफोन आइडिया को रिलीफ दिया है, साथ ही साथ एयरटेल को भी रिलीफ मिला है, क्योंकि एयरटेल के भी काफ़ी ड्यूज है। ये जे आर एयरटेल ने वैसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन फिर भी एयरटेल के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी बात की जाए तो डेफिनेशन ऑफ एजीआर, इसको रैशनलाइज किया है और इसको एक्सक्लूड किया है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू से। जो बार बार टेलीकॉम कंपनीज बोल रही थी उसको उन्होंने कंसिडर किया है, और इसी की वजह से वोडाफोन आइडिया का जो कैलकुलेशन जो बोल रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है, एयरटेल का भी डिफरेंस आ रहा है। तो उस जो फैक्टर्स को यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है और डेफिनेशन ऑफ एजीआर को उन्होंने चेंज किया है अभी, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर वाया ऑटोमेटिक रूल्स, इसको अप्रूव किया है। उसके बाद एक उनका जो रिजिम हेवी इंटरेस्ट पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी, ये सब लाइसेंस फीस स्पेक्ट्रम चार्जेस ये सब में इसको भी रैशनलाइज किया है, और अभी जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे उसको भी इन्होंने एनुअल कंपाउंडेड कर दिया, मंथली कंपाउंडेड था उसको एनुअल कंपाउंडेड कर दिया। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा राहत टेलीकॉम सेक्टर को मिला है दोस्तों। तो ये सब फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। और नेक्स्ट एक और है स्पेक्ट्रम ऑक्शन, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 30 ईयर्स के लिए रहेगा अभी 20 ईयर्स के जगह पर, और यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा, और 10 ईयर्स के बाद वो सरेंडर कर सकता है जो टेलीकॉम प्लेयर अगर चाहे तो। स्पेक्ट्रम चार्जिंग, जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको अभी इन्होंने कम्प्लीटली फ्री कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि इतना सारा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और इन अनाउंसमेंट की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को होगा। वोडाफोन आइडिया में जो भी ट्रैप हुए थे जिन्होंने शेयर्स को नीचे लेवल पे बेच दिया, वो कंपनी डूब जाएगी दोस्तों, ये कंपनी उभरने के लिए वापस तैयार है। और जो भी बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने ऊपर से बेच के अभी नीचे से बाइंग की है, तो वापस रिवर्स हुआ है, वी मूवमेंट यानी वर्टिकल रैली आपने देखी होंगी। तो अभी देख सकते वोडाफोन आइडिया का जैसे हमने बात की थी 7854 करोड़ का ऑलरेडी उन्होंने ये जेआर ड्यूज का पेमेंट कर दिया है, और भारतीय एयरटेल का अभी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास उनका बाकी है। और दूसरी बात, ये एयरटेल का उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट कर दिया है, और अभी भी 25,976 करोड़ के आसपास का भारतीय एयरटेल का भी ये जेआर ड्यूज पेंडिंग है। तो दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और उस रिलीफ के चलते आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने आज के दिन में लगभग 6% के आसपास की रैली दी थी, और क्लोजिंग के टाइम में हाई जो बनाया 735 के आसपास का हाई बनाया है, और क्लोजिंग दिया है 4.51% के साथ 725।
दोस्तों भारतीय एयरटेल का चार्ट टेक्निकली आप देखे होंगे, टेक्निकली ये ब्रेकआउट दिया था, वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं 600 का लेवल, 600 610 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे दी है। और अभी ये यहाँ पे लग रहा है कि ये लगभग 800 टू 900 के आसपास जाएगा। तो ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट आपके सामने है। ये भारतीय एयरटेल में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है और ये कंटिन्यू रहने की उम्मीद है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिलीफ है। ये आपके सामने सेकंड चार्ट है वोडाफोन आइडिया का, देख सकते हैं ये जो गिरावट आई थी, एक वर्टिकल ये गिरावट आई थी और गिरावट के बाद यहाँ एक पैनिक लो बनाया था भारतीय एयरटेल का, सॉरी वोडाफोन आइडिया का, ये लगभग 4.55 के आसपास यहाँ पे लो बनाया था और उसके बाद वापस एक रिकवरी वापस डाउन आया और अभी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब सस्टेन किया है, आज के दिन एक डोजी पैटर्न बना हुआ है लेकिन डेफिनेटली अभी यहाँ पे 8.05 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर के जो लेवल्स टारगेट जो आ सकते हैं ऊपर के लेवल, अभी 11 रुपीज़ के पास पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद हम इसको अगेन रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल ये दो शेयर है, इसको ये आज का जो कैबिनेट का जो मीटिंग का आउटकम है और जो रिवाइवल पैकेज राहत पैकेज जो उन्होंने दिया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की सेहत में कुछ सुधार आने की उम्मीद है और वोडाफोन आइडिया में डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट का फंड राइजिंग का बातचीत उनका चल रहा था, अभी शायद वो आगे बढ़ जाएगा। अगर उसमें थोड़ा वो स्टेप आगे बढ़ जाता है एक दो स्टेप तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने की उम्मीद है दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और जो भी इन्वेस्टर है निवेशित है उसने निवेशित रहना चाहिए, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, रिस्क के साथ ही आपको इसमें चलना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताएंगे और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, जीरोधा एंजल वन, एंजल ब्रोकिंग का एंजल वन हुआ है, 5 पैसा, IIFL सिक्योरिटीज, सो अप स्टॉक्स, तो इनमें से आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपके चॉइस के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। तो जिस भी चॉइस का ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करना चाहते अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा छोड़ के लगभग सभी में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, जीरोधा में 200 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग फीस है, तो जो जिसका चॉइस है वो वहाँ जाके रजिस्टर करके अकाउंट ओपन कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।